स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। विराट, विराट, उठो। अब उठो ना, क्या गधे घोड़े बेच के सो रहे हो? नहीं क्या है, अभी चार भी नहीं बजे तो मुझे उठा रही हो? ओफो, उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। सरगी। सरगी मेरे लिए? तो और कोई आसपास है रूम में? ऑफिस लिए तुम्हारे लिए। देखो मैं चाहती हूँ इस बार तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखो। What? हाँ विराट, रखोगे ना? चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, ये नहीं तो शाम तक कुछ खाने को नहीं। I'm sorry. मुझसे ये सब नहीं होगा, वेरी सॉरी, प्लीज मैं फास्ट फास्ट नहीं रख सकता। कैसे पति हो तुम विराट? क्या हुआ मनु, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? दी देख लो अपने देव को। मैंने बस इससे इतनी रिक्वेस्ट की है कि विराट मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पा रही हूँ, तो कम से कम तुम तो रख लो। पर नहीं, जीजू भी तो आपके लिए फास्ट रख रहे हैं ना दी, वो कितने अच्छे। लेकिन जीजू जैसा तो एक भी संस्कार नहीं है इसके अंदर, उनका भाई कहते हैं अपने आप को। विराट भैया, आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। अब ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, खाना मत छोड़ना, ठूस लो अच्छी तरह खाना पेट भर के, एक दिन भी भूखे तो रह नहीं सकते हो तुम। जीजू जैसे तुम, इतने से भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, इतने से। अच्छा, और तुम में भाभी जैसे इतने से भी गुण है? नहीं ना। जी माँ। बेटा ये बीजी ने ऋषिकेश से शगुन और सरगी भेजी है। कल करवा चौथ है ना, मानवी का तो ये पहला करवा चौथ होगा, पर शादी के बाद तुम दोनों का ये पहला करवा चौथ होगा। तुम्हारा भी तो इस घर में पहला करवा चौथ है ना? जी माँ, पिछली बार मैंने करवा चौथ शादी से पहले रखा था। माँ, मानवी का व्रत रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा, उसकी दवाइयाँ अभी भी चल रही है, शरीर भी उसका कमजोर है, मुझे नहीं लगता कि। लेकिन हाँ माँ, अगर हम डॉक्टर राहुल को कॉल करके पूछे तो। नहीं जीविका, डॉक्टर राहुल से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तय है कि मानवी अब व्रत नहीं रखेगी। वो बाकी सारी रस्में निभाएगी लेकिन व्रत वो अगले साल से रखेगी। मैंने सोचा था दोनों बहनों का पहला करवा चौथ है, धूमधाम से मनाएंगे, पर देखो ना, वीरेन को भी एक अर्जेंट कॉन्फ्रेंस की वजह से लंदन जाना पड़ा और मानवी भी अब व्रत नहीं रख सकती। कोई बात नहीं, हमें पूरा यकीन है जब तुम यहाँ चांद देखकर व्रत खोलोगी ना, तो वीरेन भी उस वक्त चांद देख रहा होगा। इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? हमारी फ्लाइट तो शाम की थी ना। शाम की कहाँ थी दी, सुबह की तो थी। हम थोड़ी ना हमेशा के लिए हनीमून पे गए थे दी। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब कुछ ठीक रहा बेटा? आओ, सब कुछ ठीक था माँ। तुम लोग जाके अपने कमरे में आराम करो, मैं कुछ नाश्ता भिजवाती हूँ। और मैं बीजी को कॉल करके कहती हूँ कि शगुन का सामान पहुँच गया। जी ने शगुन भेजा है? हाँ मनु, कल करवा चौथ है ना? करवा चौथ दी, मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी, मेरा तो डेब्यू केसी व्रत है दी, मजा आएगा। मनु देख, तेरी दवाइयाँ चल रही है, इस साल नहीं लेकिन अगले साल जरूर व्रत रखना। दी कुछ नहीं होगा अब तो। हाँ मानवी, व्रत रखना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम करवा चौथ की सारी रस्में निभाना लेकिन व्रत नहीं। मानवी, हम बहुत थक चुके हैं, इसके बारे में बाद में बात करते होंगे। कम प्लीज, चलो कम, चलो विल टॉक लेटर, कम।
जीविका बता रही थी कि जो शगुन हमने भेजा है ना चंडीगढ़ वालों को बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश है। और मानवी और विराट भी कुछ देर पहले मुंबई से लौटे हैं। बीजी फिर तो मानवी दी भी इस साल करवा चौथ का व्रत रखने वाली है ना? व्रत तो हर सुहागन को रखना ही चाहिए, लेकिन इस साल मानवी के ससुराल वालों ने उसे मना कर दिया है। अभी तक दवाइयां ले रही है ना वो। क्या बात है, ससुराल हो तो ऐसा, अपनी तो बच्चिया बहुत भाग्यशाली है कि ऐसा ससुराल मिला। दूसरी सास होती ना तो बीमारी में भी करवा चौथ का व्रत रखवाती। लेकिन जहां तक मैं मानवी को जानती हूँ वो बहुत मायूस होगी होगी। याद है जब वो छोटी सी थी कैसे हमारे साथ व्रत रखा करती थी? ये चिट्ठी किसको लिखी है? चिट्ठी नहीं है जी, ये तो चिट्ठा है चिट्ठा। कल करवा चौथ है ना, बस उसी की खरीदारी की लिस्ट हैगी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लिस्ट? ओ नहीं जी, कौन सा, मैंने आपको बहुत सारी चीजें लाने को बोली है, दुकान खरीदने को तो नहीं बोली है ना, बस 40 आइटम आएंगी। तो क्या पूरे मोहल्ले की औरतों ने मेरे लिए व्रत रखा है क्या? ओहो देखिए ना बीजी, करवा चौथ का व्रत है। हाँ। बेटा पिंकी को जो कुछ भी चाहिए ना उसे ला दे, आज के दिन उसे नाराज मत कर। अरे वो तो मैं कभी नहीं कर सकता बीजी, पिंकी से टकराने की हिम्मत मेरी नहीं है। अजी आप क्या जानो इस फास्ट में क्या होता है, पूरे दिन बिना खाए पिए रहना पड़ता है, वो भी आपकी सलामती के लिए। बिल्कुल सच कह रही है पिंकी, मदन के दादाजी थे ना वो भी उनको खेल ही समझते थे। तो एक बार मैंने करवा चौथ का व्रत रखने को कहा उनको, पता क्या हुआ, दोपहर तक में तो बिस्तर पे पड़े थे ऐसे। दादाजी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा आओ जी बैठो। आज मानवी का पहला करवा चौथ। दादाजी मानवी कोई फास्ट नहीं रख रही, मानवी की मेडिसिन चल रही है इसलिए उसको फास्ट नहीं रखने दिया। हाँ स्वामी ने मुझे बताया था कि मानवी सेहत की वजह से करवा चौथ नहीं मनाएगी, सिर्फ रस्म निभाएगी। बेटा चूंकि उसका पहला करवा चौथ है मैं चाहता हूं कि इसे बढ़िया सा तोहफा दिया जाए। जी आइडिया बुरा नहीं है। बेटा मैं चाहता हूं कि उसे तोहफे में एक बढ़िया सी कार दो। कार? फिक्र मत करो, सिर्फ कार का नाम बता दो, कल दरवाजे पे पहुंच जाएगी, फिर तुम उसे भेंट कर देना। नहीं दादाजी मैं मानवी को अपने पैसे से ही गाड़ी गिफ्ट करना चाहता हूँ। तुम मुझे कार गिफ्ट करोगे? क्यों नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब ये है कि तुम मुझे जो कार गिफ्ट कर रहे हो वो वाली कार है जो रोड पे चलती है या फिर खिलौने वाली कार गिफ्ट? मानवी मैं तुम्हें खिलौने वाली गाड़ी क्यों दूंगा? नहीं अब मतलब असली कार। पर विराट असली कार तो बहुत महंगी होगी ना। मानवी तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है। विराट मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर तुम मुझे कुछ और गिफ्ट कर दो। नहीं गिफ्ट तो मैं तुम्हें गाड़ी करूंगा। सपोज करो अगर घर पे सारी गाड़ियां बिजी और तुम्हें कहीं बाहर जाना हो तो तुम कैसे जाओगी ऑटो से? इससे बेटर है तुम्हारे पास अपनी एक कार हो। यू नो व्हाट, ये दादाजी का आइडिया था कि मानवी का पहला करवा चौथ है उसे एक गाड़ी गिफ्ट करनी चाहिए, सो मैंने कहा नॉट अ बैड आइडिया। इसलिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है, बिग या स्मॉल और लाइक एसयूवी या सेडान? अच्छा अच्छा बता दे, उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये जो गाड़ी खरीद रहे हो ये अपने पैसे से खरीद रहे हो ना, क्योंकि विराट मैं किसी और की कमाई की कार पे नहीं चढ़ सकता। ट्रस्ट मी ये पैसे मेरे खुद के, और अगर थोड़े पैसे कम पड़ जाने गाड़ी में हम छोटा सा लोन ले लेंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने जो कार पसंद की है ना
वो तुम्हारे बजट में आसानी से आ जाएगी। अच्छा कौन सी? इधर मैं बताती हूँ। हाँ तुम दोनों सरगी खा लो। पता है भाभी, करवा चौथ का असली मजा यही तो है जब सारी लेडीज इकट्ठा होती है और इतना मजा करती है। माँ, अगर मनु भी व्रत रखती तो कितना अच्छा होता ना। उसे व्रत रखने का कितना मन था। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल से मानवी व्रत भी रखेगी और तुम्हारे साथ सरगी भी करेगी। खाओ। जी माँ। मनु, तो इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? वो जी, विराट को बहुत तेज प्यास लगी थी और तरुण रात को पानी रखना भूल गया तो फ्रिज से पानी लेने थी। थैंक यू दी, आपकी सर्गी हो गई? हाँ मेरी सर्गी हो गई। क्या हुआ दी, जीजू को मिस कर रही हो? मैं अभी आती हूँ। जीजू अगर दी के लिए व्रत रख सकते हैं तो विराट को भी मेरे लिए व्रत रखना चाहिए। विराट, विराट, उठो, अब उठो ना, क्या गधे घोड़े बेच के सो रहे हो? अभी क्या है, अभी 4 भी नहीं बजे तो मुझे उठा रही हो? ओफो, उठो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। सरगी। सरगी मेरे लिए? तो और कोई आसपास है रूम में? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। देखो मैं चाहती हूँ इस बार तुम भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखो। What? हाँ विराट, रखोगे ना? चलो अब जल्दी से कुछ खा लो, ये नहीं तो शाम तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। नहीं, I'm sorry. मुझसे ये सब नहीं होगा, very sorry, please. मैं फास्ट नहीं रख सकता। कैसे पति हो तुम विराट? जीजू भी तो तुम्हारे भाई है ना, वो भी तो दी के लिए व्रत रख रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं रख सकते? मानवी जी, तुम्हारा जीजू राम है और मेरी भाभी सीता है और मैं ठहरा लक्ष्मण, तो राम और लक्ष्मण का तो कंपैरिजन मत करो। मैं किसी के लिए फास्ट नहीं रख सकता हूँ, मेरे पास की बात नहीं है, मुझे सोने दो। मेरे लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं। I'm sorry. Please जा, सोने दो। I hate you, Virat. But I love you. मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम मेरे लिए व्रत नहीं रखोगे तो क्या हो गया विराट? मैं तो तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी, चाहे कोई भी मना करे। मैं शर्म नहीं आती है क्या? पति अपनी पत्नियों के लिए इतना कुछ करते हो और मैं तो तुम्हें एक छोटा सा व्रत रखने के लिए बोल रही हूँ। विराट, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? क्या करूं मैं, भूखा मर जाऊं, खुदकुशी कर लूं? देखो मानी, मुझसे ये भूख वूख कंट्रोल नहीं होती, मैं ये फास्ट फास्ट नहीं रख सकता हूँ बस साथ से। तुम एक नंबर के बोरिंग नॉन रोमांटिक हस्बैंड हो, सेल्फिश हस्बैंड हो। क्या हुआ मनु, तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? दी, देख लो अपने देवर को। मैंने बस इसे इतनी रिक्वेस्ट की है कि विराट, मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पा रही हूँ तो कम से कम तुम तो रख लो। पर नहीं, जीजू भी तो आपके लिए फास्ट रख रहे ना दी, वो कितने अच्छे। लेकिन जीजू जैसे तो एक भी संस्कार नहीं है इसके अंदर, उनका भाई कहते हैं अपने आप को। विराट भैया, आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ जाओ जाओ, खाना मत छोड़ना, ठूस लो अच्छी तरह खाना पेट भर के, एक दिन भी भूखे तो रह नहीं सकते हो तुम। जीजू जैसे तुम, इतने से भी गुण नहीं है तुम्हारे अंदर, इतने से। अच्छा, और तुम में भाभी जैसे इतने से भी गुण है? नहीं ना। देखो मानवी, तुम्हारे जीजू और मेरी भाभी का प्यार का लेवल बहुत अलग है। तो
क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे प्यार का लेवल वो? नहीं, मेरा लेवल अभी वहां तक पहुंचा नहीं है ना, इतना प्यार शायद अभी हुआ नहीं है। सो आज मुझे पता लग गया है विराट कि तुम ना मानवी। बेटा मंदिर चले? हाँ माँ, मैं तो एकदम से रेडी हूँ। विराट भैया, आपका ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। चल मैं ब्रेकफास्ट खाता हूँ, आ जा साथ में चलेंगे, तू भी खाएगा मैं भी खाऊंगा, आ जा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।